हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल कंप्लीट द पोयम द काइट देन लेट्स स्टार्ट इन दिस पोयम द पोएट फ्रैंक डेमस्टर शर्मन विशेस टू बिकम अ काइट एंड ट्रैवल टू मेनी प्लेसेस ये पोयम किसने लिखी है कौन है इसके पोएट फ्रैंक डेमस्टर शर्मन विशेस टू बिकम अ काइट और उन्होंने क्या विश की है कि उन्हें क्या बनना है काइट एंड ट्रैवल टू मेनी प्लेसेस काइड बनकर क्या करना है उनको ट्रैवल करना है घूमना है टू मेनी प्लेसेस लेट्स रीड एंड फाइंड आउट वेर ऑल ही विशेज टू ट्रेवल अभी पोएम पढ़ के हमें देखना है कि उनको कहाँ कहाँ जाना है गाइड बनकर कहाँ कहाँ घूमना है सो लेट्स स्टार्ट आई ऑफन सी इट एंड विश दैट आई कुड बी अइड अप इन द स्काई वो कहते हैं कि आई ऑलवेज सीट में हमेशा बैठकर ये सोचता हूँ ये विश करता हूँ कि काश में क्या होता काइट होता जो ऊपर आसमान में उड़ती रहती है एंड राइड अपॉन द ब्रिज एंड गो वॉट एवर वे आई चांस टू ब्लो उन्होंने कहा है कि उन्हें क्या करना है क्या करते वो राइड करते राइड अपॉन द ब्रिज जैसे हम लोग हॉर्स पर राइड करते हैं तो उनको कहाँ पर राइड करना है राइड अपॉन द ब्रिज ब्रिज मतलब जेंटल विन देखो आप लोग जब पतंग उड़ाते हो तब पतंग जब उड़ाते हैं हम लोग तो उसको हवा कैसी चाहिए होते है हल्की सी हवा बहुत फास्ट हवा आती है तो क्या होता है पतंग नहीं उड़ती है तो वो जो हल्की सी हवा रहती है उसे कहते हैं ब्रिज जेंटल विन तो पोइट को क्या करना है उसके ऊपर राइड करना है काइड बनकर कर एंड गो वॉट एवर वे आई चांस टू ब्लू मतलब उनको जहाँ पर जाने का चांस मिलेगा वो वहाँ हवा के साथ साथ जाएंगे जैसे काइट जाती है देन आई कुड लुक बियड द टाउन एंड सी द रिवर वाइंडिंग डाउन अभी देखिए पतंग कैसे उड़ती है ऊपर आसमान में वैसे ही पोइट बोलते हैं कि मुझे भी वैसे ही मैं भी आसमान में ऊपर जाता और वहाँ से मैं क्या देखता आई कुड लुक बियड द टाउन मतलब उनका जो सिटी है टाउन है उसकी आस पास की जगह वो सारे देख लेते हैं कि कहाँ पर माउंटेन है कहाँ पर क्या बना है कहाँ पर ग्रीनरीज़ है ये सारी चीज़ें एंड सी द रिवर वाइंडिंग डाउन वाइंडिंग मतलब जर्नी जर्नी ऑफ रिवर और उन्हें क्या देखना है क्या देखते वो रिवर की जर्नी कि वो रिवर कहाँ से स्टार्ट हुई है वह कहाँ पर स्टॉप होती है उसका फ्लो कैसा है ये सारी चीज़ें वो देखते and follow all the ships that say like me before the merry gill और उन्हें किसे follow करना है किसके पीछे पीछे जाना है ships की कौन सी ship the ships that sail sail मतलब move जो समुद्र में मुंह करती रहती है इधर उधर जाती है घूमती है उनको उन्हें फॉलो करना है लाइक मे बिफोर द मेरी गेल मेरी मतलब हैप्पी एंड गेल मतलब अ स्ट्रांग विंड जब तक ये स्ट्रांग विन नहीं आती है या स्ट्रांग विंड आने के पहले ही उन्हें ये सारी चीज़ें करनी है अंटिल एट लास्ट विद दैम आई केम टू सम प्लेस विद अ फॉरेन नेम अब ये जो ट्रैवल उसने उनको करना है वो कब तक करना है जब तक वो मतलब फाइनली जब तक वो एक ऐसी प्लेस पर नहीं आ जाते कैसी प्लेस अननोन प्लेस देखो उन्होंने कहा है कि आई केम टू सम विध अ फॉरेन नेम फॉरेन मतलब अननोन नोन अनफेमिलियर स्ट्रेन जो जो जगह उन्होंने नहीं देखी है तो वो क्या कहते हैं कि मैं जब तक वहाँ पर नहीं आ जाता तब तक मुझे गाइड बनकर घूमना है और लास्ट कहा जाना है एक अननोन प्लेस पर यहाँ पर अपनी पोएम खत्म हुई देखो इस पोएम से हमें क्या पता चलता है कि ये जो पोइट है वो एक ही जगह रह के बोर हो गए हैं इसलिए इनको क्या करना है इसलिए ये बोलते हैं कि कि काश मैं क्या होता काइट मतलब पतंग होता और वो क्या करते हैं यस वो ढेर सारी नई नई जो प्लेसेस है अननोन प्लेसेस है उनको वो विजिट करते करेक्ट चलो नेक्स्ट ट्रू फॉल्स first mark the sentences as true or false then first one is the poet wants to ride upon the breeze correct yes it is true then second the poet wants to look beyond the sailing ships is it correct is it true no the poet wants to look beyond the town then write down here false then third the poet is afraid to travel to unknown places nahi बल्कि उनको क्या था उन्हें अननोन प्लेसेस में जाना था इसलिए राइट डाउन हियर फॉल्स इन द एंड द पोएट वॉन्स टू गेट बैक होम उन्हें घर जाना है नहीं उनको कहा जाना है अननोन प्लेस पर नई प्लेस पर देन आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द पोएट विश टू बी द पोएट विश टू बी अ काइट अप इन द स्काई क्या विश है उनकी कि उन्हें काइट बनना है जो काइट ऊपर आसमान में उड़ती है यहाँ पर आप काइट को या फिर टू बी अ काइट को अंडरलाइन कर लीजिए देन सेकेंड क्वेश्चन नेम थ्री थिंग दैट द पोइट सी फ्रॉम द टॉप वो क्या क्या देखना चाहते हैं क्या क्या देख सकते हैं वो वहां से ऊपर से द टाउन द रिवर एंड द शिप हम लोगों ने पोएम में पढ़ा है कि उन्होंने क्या करना है यस बियॉन्ड द टाउन करेक्ट और उन्हें क्या देखना था रिवर वाइंडिंग डाउन की रिवर की जर्नी कैसे है और उन्हें किसको फॉलो करना था सेलिंग शिप्स को देन थर्ड क्वेश्चन डू यू थिंक द पोइट इज बोर्ड ऑफ लिविंग इन द सेम प्लेस वाई और वाई नॉट सो आई थिंक यस हम लोगों ने देखा है कि वो एक जगह पे रह के बोर हो गए हैं अभी यस आई थिंक द पोइट इज बोर्ड ऑफ लिविंग इन द सेम प्लेस ऐसा क्यों कहा है हमने क्योंकि अभी उनको चेंज चाहिए और इसीलिए उनको काइट बनना है और क्या करना है विजिट करना है डिफरेंट प्लेसेस को सो यस आई थिंक द पोइट इज बोर्ड ऑफ लिविंग इन द सेम प्लेस दैट्स वाई ही वॉन्ट्स टू बिकम अ काइट टू ट्रेवल एंड विजिट मेनी न्यू प्लेसेस